अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं scooser.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 400 के गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आए हैं। ये बिल्ड हमने रेडी की है अब्दुलरहमान भाई के लिए, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं ये आपको इस वीडियो में आगे चल के बताएंगे और इनकी प्राइस अपडेट भी देंगे। बिल्ड भी आपको करके दिखानी थी लेकिन अब्दुलरहमान भाई कह रहे थे कि खुद बिल्ड करूँगा मैं, आपने जस्ट कंपोनेंट भिजवा देने। तो ये 400 के की जो बिल्ड है उसके कंपोनेंट आज हम उनको शिप करवा रहे हैं। तो इसमें जो जो हमने यूज़ किया है, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी आज की 400 के गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ, जो अब्दुलरहमान भाई के लिए किए। इनका काम बेसिकली एडिटिंग का है और ये फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो उसके लिए उन्होंने ये बिल्ड बनवाई है। साथ गेमिंग का भी कहते शौक है तो गेमिंग में भी यूज़ करेंगे। और ग्राफिक कार्ड का था थोड़ा सा इशू इनके बजट का, तो इस वजह से हमने जो ग्राफिक कार्ड इसमें लगाया वो RTX 3050 लगाया। अगर बजट कह रहे कि इन फ्यूचर मैं इंक्रीज़ किया तो मैं इसमें ग्राफिक कार्ड ज़रूर चेंज करूँगा, तो वो भी इंशाल्लाह जो है इसमें चेंज कर सकते हैं इजीली। बाकी अब इसके कंपोनेंट का आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इसके अंदर हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं Ryzen 9 7900X प्रोसेसर हम यूज़ करेंगे। ये सारे कंपोनेंट जो है वो हमने बॉक्स पैक यूज़ किए इस 400K की गेमिंग पीसी बिल्ड में। इसमें कोई भी कंपोनेंट यूज़ में नहीं है सिवाय एक HDD के, क्योंकि इसमें बजट जो बगैर HDD के 396K बन रहा था लेकिन उन्होंने कहा कि 400K ही पूरा कर दें तो एक HDD जो है वो यूज़ में जो 1TB की वो ऐड कर दें, वो हमने इसमें ऐड किया। ये 7900X जो है वो प्रोसेसर हमने यूज़ किया। इसका सीरियल नंबर भी मैं आपको दिखाता चलो अब्दुलरहमान भैया, आप इसका सीरियल नंबर भी नोट कर लें ताकि आपके पास जब कंपोनेंट पहुँचे तो ये सेम सीरियल के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास पहुँचे ताकि आपको वारंटी का भी कोई इशू ना बने। बाकी हम अपने बिल पे भी जो वारंटी बना के आपको भेजेंगे। इस तरह इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो ASUS Prime है B650+ मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है। ये पिनलेस प्रोसेसर है, DDR5 रैम को सपोर्ट करता है और 7900X जो है वो प्रोसेसर इस पर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसके साथ जो हमने रैम यूज़ की है, रैम के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये DDR5 में हमने रैम यूज़ की है, कॉसियर की डोमिनेटर प्लाटीनियम RGB रैम हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है 5200 MHz। ये हमने रैम जो है वो DDR5 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। इसका जो सारे कंपोनेंट हैं इनके सीरियल नंबर जो है अब्दुलरहमान भाई मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, आप इनके सीरियल नंबर भी नोट करते रहें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो हम चलेंगे जी, अगली जो चीज़ हमने इसमें यूज़ की है जी वो NVMe हमने यूज़ की है 980। ठीक है जी, 980 हमने NVMe इस बिल के साथ जो है वो यूज़ की है M.2 और इसके ये 500 GB हमने जो है वो इस बिल के साथ जो है वो यूज़ की है। बाकी इनके पास जो है वो 4TB की 12 कोडा जो है वो HDD अपनी मौजूद है। इसके अलावा इनके अलावा जो हम कंपोनेंट दे रहे हैं तो वो इसके साथ जो है वो यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह इसके साथ जो है वो पावर सप्लाई की बात करें तो ये हमने आईगो की पावर सप्लाई इस बिल के साथ जो है वो यूज़ की है 700 वाट की। ठीक है, आईगो वॉरियर 1K 700 वाट की PSU हमने इस बिल के साथ यूज़ की है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसके साथ जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो RTX 3050 MSI जो है वो Ventus 2X जो है वो ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल के साथ जो है वो यूज़ किया है। और ये ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा मैंने इन्हें सुजेशन दी थी कि आप 3080 Ti वगैरह लगा लें लेकिन वो बजट के हिसाब से आपको पता है कि हर बंदे ने अपना बजट भी मैनेज करना होता है, तो फिलहाल उन्होंने ये 3050 ग्राफिक कार्ड जो है इस बिल्ड के साथ जो वो लगवाया है। केस की बात करें तो इसके साथ हमने सीगोटॉप की गैंग 240S गेमिंग केस हमने इस बिल्ड के साथ जो है उनको लगा के दी है। केस का इतना मैटर नहीं करता था, वो कह रहे थे कि कोई भी नॉर्मल केस जो है वो मुझे इस बजट में मैनेज कर दें, तो हमने जो इस बजट के साथ इन्हें सजेशन दी है वो गैंग 240S केस है। ब्लैक कलर में फ्रंट पे मैश है, साइड जो है वो आपको टेम्पर्ड ग्लास मिरर और विद 4 RGB फैन जो है वो हमने इसके जो है वो केस इनको दिया है। इस तरह इसके साथ जो कूलर हमने यूज़ किया है LGA 120M जो है वो ARGB जो कूलर है वो हमने इस बिल के साथ जो है वो यूज़ किया है। 240 भी लग सकता है, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको 240 भी जो है वो कूलर लगवा सकते हैं इसके साथ। और 1TB की HDD जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिल के साथ हमने 1TB HDD भी ऐड की है लेकिन वो यूज़ में है। इसके अलावा तमाम कंपोनेंट जो हमने यूज़ किए हैं इसमें वो बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं, तो
ये 400 के में हमने ये कंपोनेंट जो है वो अब्दुलरहमान भाई को आज जो है वो शिप करवा रहे हैं, बिल्ड ये खुद करेंगे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी अगर आप बिल्ड बनाएंगे तो इसकी अगर एक वीडियो बना लें ताकि हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ हैं वो भी इसको देख सकें, अगर उनके पास वो बना सकते हुए तो वो बनाएंगे, हम वो भी इंशाल्लाह अपने चैनल पर जो है वो अपलोड करेंगे। तो अब इनकी प्राइस अपडेट आपको देता चलूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। राइजन 970 900X जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है वो 120K में हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया, 120K में राइजन 970 900X हमने यूज़ किया। इस तरह इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया ASUS Prime में B650 प्लस मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया बिल्कुल न्यू में, उसकी जो प्राइस है वो 85,000 है लेकिन 80,000 में हमने जो है वो अब्दुलरहमान भाई को दिया है। और 32 GB जो रैम हमने इस बिल्ड के साथ जो अभी यूज़ की है कॉसर की डोमिनेटर प्लाटिनियम RGB रैम, प्राइस आप चेक करेंगे तो 60 तक भी हो सकते हैं इसकी प्राइस मिले लेकिन 54,000 में हमने इस बिल्ड के साथ जो इसको यूज़ किया है। इसी तरह इसके साथ जो हमने सैमसंग की 980 500 GB की NVMe M.2 जो है इस बिल्ड के साथ यूज़ की है वो हमने 14,000 यानी कि 14,000 रुपये में हमने इस बिल्ड के साथ जो वो यूज़ की है। अब इसकी PSU की बात करेंगे जो आइगो की हमने वॉरियर 1K 700 वॉट की जो PSU हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है 11,000 में 11K में वो हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। और जो इसके साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है 1 ईयर वारंटी के साथ है, इस तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको 1 ईयर वारंटी के साथ मिलेंगे। इसी तरह ग्राफिक कार्ड भी आपको 1 ईयर वारंटी के साथ मिलेगा और ऑफिशियल वारंटी इसकी 3 ईयर है ग्राफिक कार्ड की। तो इसकी जो प्राइस है वो 90K है RTX 3050 की लेकिन 88,000 में जो है हमने इस बिल्ड के साथ जो इनको लगा के दिया, बिल्कुल सील्ड है ये नहीं है कि इसमें बॉक्स ओपन है या स्लाइटली यूज है, बिल्कुल बॉक्स पैक ये ग्राफिक कार्ड है इसके साथ। इस तरह इस बिल्ड के साथ जो हमने LZI का M120 जो है वो लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, उसकी प्राइस जो हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो 12,000 है, 12,000 में हमने ये ARGB कूलर इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। अब बात करेंगे इसकी केस की, जो इस बिल्ड के साथ हमने केस यूज़ किया है गैंग 240S गेमिंग केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया विद 4 RGB फैन ब्लैक कलर में, तो इसकी प्राइस जो है वो 18,000 प्लस थी लेकिन हमने 17,000 में इस बिल्ड के साथ जो वो अब्दुलरहमान भाई को दिया है। और 1 TB HDD की बात करेंगे जो इस बिल्ड के साथ हमने 1 TB की HDD यूज़ की है वो 5,000 में इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, तो इस तरह ओवरऑल इसकी जो टोटल प्राइस बनती है वो 400 जो है प्लस बनती है यानी कि 401,000 बनती है लेकिन हमने पूरे 400,000 में यानी कि 400K में ये पूरी बिल्ड जो है वो बना के दी है अब्दुलरहमान भाई को। अगर आप भी इस तरह की कोई बिल्ड बाय करना चाहते हैं या कोई भी कंपोनेंट बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो है, वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुआ, आप हमारे स्टोर पे आके भी बाय कर सकते हैं। बाकी इसकी वारंटी की बात करें तो वारंटी मैंने आपको बता दी कि इनकी तमाम कंपोनेंट्स की जो वारंटी है अब्दुलरहमान भाई को मिली है, या आप लोग इस तरह नई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको 1 ईयर वारंटी मिलेगी। इसमें डेड और बर्न जो भी सारा होगा वो हम अपने बिल पे लिख के भेजेंगे जिस चीज़ की और जो वारंटी होगी वो सारी चीज़ें इसमें नोट होंगी हमारे बिल बुक पे। अच्छा, इसी तरह इसमें जो शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री है, पाकिस्तान की किसी भी कोने किसी भी जगह किसी भी सिटी में आप इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। सर अब्दुलरहमान भाई को इनके साथ भी हमारा ये प्रॉमिस था कि इनको भी शिपिंग फ्री मिलेगी, ये जस्ट इन्होंने 400K ही पे करना है, इन्होंने इससे ऊपर 1 रुपया या एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे नहीं करने। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये इस तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।